पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार करके गणेश जी की वंदना करें, फिर पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करें। तीसवें अध्याय में हमने सुना कि पतिव्रता स्त्री के क्या क्या लक्षण होते हैं। जो स्त्री सबकी सेवा करने में ही अपना धर्म समझती है वही सतगृहिणी होती है। अब हम 31वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के संपूर्ण दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से पूछा था, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के बाद श्री शंकर जी पार्वती से बोले, हे प्राणप्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है। वे पर्वत पुत्री जो दान भगवान के प्रिय महीना में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपूर्ण दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जा सकता है? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते तो उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनाए, उसमें 30 मालपुआ रख करके संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार पार्वती महादेव जी के वचन सुनकर रतन प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को संपुट प्रसन्नतापूर्वक दान किए। सूत जी महाराज जी ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चय किया कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम भगवान मास ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके माध्यम मात्र सुनने से ही मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक विधि विधान से इस व्रत नियम का पालन करे उसका तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्यों को नहीं सुनते हैं, इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं, वे दुर्भागी हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र स्त्री के दुख को पाते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं। वे भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्र द्युम्न सत द्युम्न यौवनाश तथा भागीरथ आदि राजश्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके इनकी शरण पा गई। सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषि, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के सम्मान का फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके आदर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर भ्रमते क्षत्रिय राज्य सुख वैश्य धन शुद्ध श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हूड़ आदि मनोभिलाषित वस्तु प्रदान करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पृथ्वी को वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलों को प्राप्त होता है। जिस घर में यह रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान होता है। 31वां अध्याय समाप्तम। आपने सभी अध्यायों के बारे में श्रद्धापूर्वक सुना व समझा। जो मनुष्य अधिक मास के नियमों का पालन करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलों को प्राप्त होता है। जिस घर में पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनी वह दूसरों को सुनाई जाती है, वह घर तीर्थ के समान होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।